अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लास्ट जो क्लास मैंने आपको दी थी उसमें मैंने आपको बताया था, दो टेक्निक्स बताई थी रग बनाने की। एक ये वाली टेक्निक बताई थी लेचिंग की, और एक मैंने आपको ये वाला स्टार्ट करवाया था, हुकिंग टेक्निक बताई थी। और ये वाला मैंने रग स्टार्ट किया था जी, कुछ इसी तरह का था। बट आज ये मेरा रग जो है कंप्लीट हो गया, तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी दिखा दूं, कि आप ये ना समझे कि जस्ट मैंने टेक्निक्स बताई हैं, ये आप लोग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ये पूरे का पूरा आपके सामने एक रग बना होगा। ठीक है, ये टेक्निक थी लेचिंग की और ये हुकिंग की थी। और इस तरह यही वाला मैंने आपको सर्कल का डिज़ाइन और लाइन्स के थ्रू बताया था, और ये आज रग कम्प्लीट हो गया। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग की तरफ आ जाते हैं। कटिंग आपने कैसे करनी है, जो लेचिंग है इसमें आप इसको, अब जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं इसको आप लोग कटिंग करके इसको इक्वल कर लेंगे। इसी तरह ये जो सेकंड है इसमें भी मैंने ये लैचिंग की टेक्निक यूज़ की हुई है। यहाँ से भी आप इसके जो थ्रेड्स हैं उसको इक्वल कर लेंगे। जी व्यूवर्स, ये आपने ये हमारा रग कंप्लीट हो गया, और आप घर बैठे लैचिंग और हुकिंग की टेक्निक के साथ एक खूबसूरत सा रग बना सकते हैं। और रग को आप प्लेस कैसे कर सकते हैं, मतलब ये बना तो लिया, अब आप इसको रखेंगे कहाँ पे? सम टाइम कुछ लोगों को नहीं पता होता कि रग कहते किसको हैं और इसको रखा कहाँ जाता है। तो रग कहाँ पे आप रख सकते हैं, कि जैसे हम लोग कारपेट यूज़ करते हैं, कारपेट तो आप पूरे कमरे के लिए यूज़ करते हैं, रग आप लोग कुछ स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, कि जैसे बेड के लास्ट पे आप रग रख सकते हैं, टेबल के आगे आप रग रख सकते हैं। और आज मैं एक आपको बता दूंगी, आज मैं अपने टेबल के आगे इसको रख के आपको बता दूंगी आप इसको प्लेस कैसे कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, आप रग को इस तरह प्लेस कर सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप अपने टेबल के आगे भी इसको रख सकते हैं, अपने बेड के आगे भी रख सकते हैं, कहीं भी रूम में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग टेबल के नीचे, कहीं भी आप रग को प्लेस करके और अपने घर को और अपनी जगहों को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए, आज की वीडियो में इतना ही। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरा रग कैसा बना है, और भी जो भी आप सीखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।